प्रसन्न करने के दिन, और हम जानेंगे कि हम पितरों को अपने प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, चित्रकूट में उसका क्या महत्व है, और मंदाकिनी में जो पितृ तर्पण किया जाता है उसका विधान क्या है। ये मंदाकिनी का परम पावन तट चित्रकूट में बूढ़े हनुमान जी मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर तर्पण करने का विशेष महत्व है। पितृ तर्पण प्रारंभ हुआ, इस पितृ तर्पण में मनुष्य हर प्रकार के कष्टों की मुक्ति यदि चाहता है, अपने पितरों से आशीर्वाद चाहता है, तो उसको तर्पण अवश्य करना चाहिए। यह माता अनुसुईया के तपबल से निकली मंदाकिनी का राम घाट है। यहाँ केवल मंदाकिनी नदी ही नहीं, वरन परमपिता ब्रह्मा के द्वारा विष्णु जी के पाद प्रक्षालन से निकली पयस्विनी और माँ जानकी के लिए चित्रकूट आई माँ सरयू, तीनों का जल यहाँ पर मिलता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वास्तव में चित्रकूट में पिंड तर्पण का, श्राद्ध तर्पण का महत्व क्या है। आने वाले एपिसोड में आपको जानकारी मिलेगी कि चित्रकूट और गया जी में क्या समानता है। अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि यह जानकारी दूसरों तक पहुंचे। आज से शुरू हो रहे हैं पितरों को प्रसन्न करने के दिन, और हम जानेंगे कि हम पितरों को अपने प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, चित्रकूट में उसका क्या महत्व है, और मंदाकिनी में जो पितृ तर्पण किया जाता है उसका विधान क्या है। इसके लिए हम यहाँ के ज्योतिर्विद पंडित आचार्य विजय पांडे जी से भी बात करेंगे। देखिए चित्रकूट में किस तरह से पंडित विजय पांडे शास्त्रोक्त विधि से लोगों को पिंड अर्पण करा रहे हैं। पुनरीकाक्षा पुनः तू तीन बार आचमन कर लीजिए सभी लोग। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पवित्री धारण कर लीजिए, पैती पहन लीजिए। ओम पवित्रेशो वैश्यो सवितुर्वाह गुरु नाम चित्रेण पवित्रेण सूर सरस्वी दशदे पवित्र पदे पवित्र भूत शतका महा पुनः के अम्मा इति पवित्री धारण गत्वा शिखाबंदनम। ओम चित्रोपरी महामाये दिव्य दे समृते तिसे भी शिखा मध्य तेजो विधि कुरुष्मे। संकल्प के लिए सब लोग तैयार हो जाए। दाहिने कंधे में गमछा डाल लें, कुसा ले लें, तिल जो चावल ले लें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य अतिशी ब्राह्मणो दुतीपराधे श्री श्वेतबारह कल्पे जम्मूदीपे भूर्लोके भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे चित्रकूट क्षेत्रे मंदाकिनी तीरे हनुमत बूढ़े हनुमान मंदिर परिसरे बुद्धावतारे वर्तमान नाम संवत्सरे प्रमादी नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे आश्विन मासे भाद्रपद मासे शुभे एदर शुक्लपक्षे शुक्लपक्षीया पूर्णिमायां तिथौ प्रतिपदा श्राद्ध दिने बुधवासरायतायां श्रुति स्मृति प्राणोक्त शुभ पूर्ण फल प्राप्ति काम अद्यमुख गोत्र अमुक नाम आख्यम अपना नाम अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। एतत् संपूर्ण सफलता सिद्धार्थ देवर्षि पितृ तर्पण हम करिष्ये बिना संकल्पेन यत् कार्यम निष्फला भवेद्रुवम। बिना संकल्प के किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है, इसलिए अब सब लोग संकल्प कर लिए हैं। अब लोग तर्पण प्रारंभ करें, जल देना प्रारंभ करें। ओम ब्रह्मार्यासुरा सर्वे शीर्षान गाधा आगत महाभागा ब्राह्मणोत्तर वर्तन हम विषय देवा स्वागत हो श्रोताम इमम हम विषय देवा श्रोते हम तेन्द्रिके ये अग्नि वा बुधवा यदिन्द आगत महाभागा विषय देवा महाबला ए त्रिवृता सावधान बंधु दे। ओम ब्रह्मा द्रवताम ओम विष्णु द्रवताम ओम रुद्रवताम ओम प्रजापतिताम ओम देव द्रवताम ओम चंदा द्रवताम ओम वेदा द्रवताम ओम ऋषय द्रवताम ओम प्राणाचार्य द्रवताम ओम गंधर्वा द्रवताम ओम मित्राचार्यताम ओम सुमसरे दावतेवताम ओम देव द्रवताम ओम द्रवताम देवा द्रवताम नागा द्रवताम ओम सागरा द्रवताम ओम पर्वता द्रवताम ओम सर्य द्रवताम ओम मनुष्य द्रवताम ओम ईशा द्रवताम ओम ऋषिपिशाचा द्रवताम ओम सुवर्ण द्रवताम भूतान द्रवताम पद्म द्रवताम वरद द्रवताम ओगदे द्रवताम भूत द्रवताम द्रवताम वर्जिताम अंग्रेद्रदाम अद्रदाम पुलिसदाम पुरदाम पुरदाम पुरदाम
नारद त्रिपिंडामा उत्तर की ओर सब लोग घूम जाए, दोनों कंधों में गमछा डाल लीजिए, माला को माला के समान कर लीजिए, एक गोपवीर को जौ ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, जल देना प्रारंभ करिए। ओम कपिलाद सर्विशन कार्या आगे महाभागा ब्राह्मणो दर्वचना ओम सनदताम सनदताम ओम सनंदन धाम सनंदन धाम ओम सनातन धाम ओम सनातन धाम ओम कपिल धाम कपिल धाम ओम आचरताम ओम आचरताम ओम मूढ़ धाम मूढ़ धाम ओम पंचशताम पंचशत्रिपिन धाम मा। दक्षिण की ओर घूम जाइए, बायां घुटना मोड़ लीजिए, गांठ वाला कुसा ले लीजिए, अब सब हो जाइए, बाएं कंधे में गमछा डाल लीजिएगा, तिल ले लीजिए, अंगूठे और तजनी के मध्य से जल देना प्रारंभ करिए। ओम उसंत बसंतम समीम उसन सत्रावान पित्र मंत्रा पित्र सोम्यासो अग्नि स्वादा प्रसिद्ध विजानी अस्मृत के सुधा बदंतो विवंतो समान ओम कबवाटे त्रिवेदम त्रिलोधाम ओम मन त्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम सोमात्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम यमत्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम आर्यमात्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम अग्निशात्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम सोमात्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम मरियत्रिवेदम त्रिलोकम तंसदाम ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः धर्मराजम 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 मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः ओम अंधकानम वैशुदानम वैशुदाय वैशुदानम ओम कालानम 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 ओम सर्वोदचारम 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 ओम मधुम्बरानम 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 ओम नीलानम 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 ओम परिवेशमा 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 ओम मृगोदरानम 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 चित्रानम 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 ओम चित्रोदानम 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 ओम उदीर्दाम उत्परामलमा पितरा सोम्याजाम अधुर्विगम चिरुविकारादिदेव अभिशोम गोत्रो अस्मत पिता अमुक शर्मा वसुरूप त्रिव्याजम सजमिजाम अग्निशो नविदो नवा असर्वो भुवा सोम्यासा तेषाम वसुभदे यज्ञाना भद्रे सोमनिश्याम मद्दाम गोत्रमा वसुरूप त्रिव्याजम जा आंध्रा विदा सोम्यासो अग्नि स्वाथा पृथ्वीजानी अस्मिन् केले स्वाबन्धो बदन्तो व्रन्तो समान ओम मद्याम गोत्र अस्मत पिताम अमुक शर्मा वसुरूप त्रिव्याजम जा अमुक गोत्र अनुदाम शर्मा वसुरूपताम ओम उदम बंती रमतम गतम प्रेम पितरम शर्मा रूम रुद्रूप त्रव्याजिता मित्रभ्य सुधा सुधान महाप्रभुता मेभ्य सुधा दिव्य सुधान महाप्रभुता मेभ्य सुधा दिव्य सुधान मह अचन्न पितरो मिदन पिता पिता सतम ओम शर्मा रुद्रूप त्रव्याजिता एते पितरो एतने याज जात विदा तम वेत जति जात विदा तसा पितम सतम ओम शर्मा मधुरूप त्रव्याजिता मधुभ्याताजिताति मधुशर्मा माधु सद्धाम शर्मा आदित्य रूप है त्रव्याजिता मधु नग्नबोधा मधु नाम अद्याम उधर्मा आदित्य रूप है त्रव्याजिता मनु मधुमानो बंधु सूर्या भाद्रवंता अद्याम उधर्मा आदित्य रूप है त्रव्याजिता अमुकोतन माता मुखदेवी गायत्री स्वरूपा दशिदा अमुकोतन पितामही अमुदेवी सावित्री स्वरूपा दशिदा अमुकोतन प्रपितामही अमुदेवी सरसी स्वरूपा दशिदा नमो पितरोषाय नमो पितरोशोखाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरो सदाय नमो पितरो घोराय नमो पितरो मन्नवे नमो वह पितर पितरो नमो ग्रहान्न पितरो दत्त सतो वह पितरो दशवते पितरो आज आदतो मद्दा अद्याम गोत्रस्म मातामहो शर्मा वधुरूप त्रव्याजा अद्याम गोत्रस्म प्रातमुख शर्मा रुद्रूप त्रव्याजा अद्याम गोत्रस्म प्रातमुख शर्मा आदित्यूप त्रव्याजा अमुगोतन मातामही अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा त्रव्याजा अमुगोतन मातामही अमुक देवी सावित्री स्वरूपा त्रव्याजा अमुगोतन व्रत मातामही अमुक देवी सरसी स्वरूपा त्रप्याजम जैसा इसी प्रकार चाचा मामा भ्राता ससुर पुत्र पुत्र सासा दुहिता सद्वाद को जल देते रहना है। ओम देवासुरा इसा यक्षा नागेन्द्र साचा पिछाचा कुछ काशिता कुष्मांडा इंद्रभाखा जलेचरा भूलिया वाया दारिधंधवा त्रिपेदो प्रयांतु मदते नाम नाखला नरके समस्ते सु यातना सिद्धा तेषा माँ पिना ये बांधवा बांधवा जिन बांधवा ते सर्वे त्रिवान धूम ये मक्षिम ये मुकुलेलुदुंडा पुजारिता तेषाई दक्षम त्रिलोकम आभ्रम देवसीमान वा त्रप्यंत पितरा सर्वे मात माता महादया अतीत कुलकोटिनाम सद्वासनाम आ ब्रह्म भगवान लोकान त्रिलोकम आस्माकम विदा ते ग्रंथ मया तो कपड़ा नहीं तोड़ दीजिए। जो कुल में किसी के कोई शेष नहीं रहता तो कपड़े के निचोए हुए जल से वो संतुष्ट हो जाता है। चलिए सभ्य हो जाइए, आगमन करिए। बिना गांठ वाला कुसा ले लीजिए,
जल देना प्रारंभ करिए। ओम नमो विवसते ब्रह्मण भाषते विशते से जगत सवित्रेशु से नमस्ते कर्वदायने एशो सहस्रांतो तेजुराजे जगतपते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहाण अर्घं दिवाकर। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः। वैयागवत गोत्राय जागतपूर्वाय च अपुत्राय च जाबिजं जल ब्रह्मणे खड़े हो जाइए, परिक्रमा कर लीजिए। यानी कांच पापानी ज्ञाता ज्ञाता तान सर्वाणी प्रदर्शन्ति प्रदक्षिणा पदवेदे अनेन यथाशक्तेन देवर्षि पित्र तर्पण विदना श्री वासुदेव प्रियंताम नमो वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे तर्पण का विधान नित्य नैमित्तिक है, प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु इन 15 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण की आवश्यकता है। और यह नियम है, इस नियम के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि पितर यदि असंतुष्ट हैं तो मनुष्य कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जाने पितर तर्पण में लगने वाले पूरे सामान की जानकारी की उसका उपयोग कब और कहां कैसे करना है। और तिल लेना है, तिल को मात्र दक्षिण दिशा में जो पितरों के निमित्त किया जाएगा, और उत्तर दिशा में यव पूर्व दिशा में चावल और पुष्प, ठीक है, दक्षिण दिशा में पुष्प और तिल से सफेद पुष्प से किया जाएगा, ठीक है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन से देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखिए, रोजाना तो लोक तर्पण कोई आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाए, प्रतिदिन अपने द्वारा स्वयं तर्पण करें। पूर्व दिशा की ओर देवताओं के लिए तर्पण किया जाए, सभ्य होकर के पूर्व दिशा की ओर तर्पण करते हैं कुछ लेकर के, और उत्तर दिशा की ओर माला के समान जनेऊ या गमछा डाल करके और ऋषि तर्पण करते हैं। दक्षिण की ओर पितरों को तृप्त करने के लिए बायां घुटना मोड़ करके गांठ वाला कुसा लेकर के और तिल लेकर के अंगूठे और तर्जनी के मध्य से जल प्रदान करते हैं। इससे पितर संतुष्ट होते हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने की सामर्थ्य यदि है किसी में तो पितरों में है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसलिए प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। और चित्रकूट में भगवान श्री राम ने भी आकर के अपने पिता के निमित्त तर्पण किया और श्राद्ध किया है। तो यहाँ पर विशेष करके चित्रकूट में और मंदाकिनी के तट पर यदि किया जाए तो उससे बड़ा दूसरा और कोई स्थान नहीं है। बहुत ही ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर के जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, वो पितर संतुष्ट हो जाते हैं और जो करता है कर्ता को जो है सब कुछ प्रदान करते हैं, अर्थ भी प्रदान करते हैं, धन भी, सब कुछ प्रदान करते हैं। बोलो चित्रकूट धाम की जय। पितर तर्पण का वास्तविक महत्व चित्रकूट में ही क्यों? जब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम निकले तो पुराणों में देखने पर मालूम चला कि ब्रह्म वैवत पुराण क्या कहता है। ब्रह्म वैवत पुराण कहता है कि पूरे भूमंडल में चित्रकूट के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ इसलिए कि यहाँ बैठकर परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, और पितृ तर्पण के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मा जी की ही जरूरत पड़ती है। जब पितृ तर्पण किया जाता है तो उसमें जो सर्वाधिक महत्व होता है वो ब्रह्मा का ही होता है, और ब्रह्मा चित्रकूट में सदैव विराजते हैं, यहाँ पर पुत्रवत रूप में भी होते हैं। इसलिए हम चित्रकूट को पितृ तर्पण के लिए विशेष महत्व देते हैं, और भगवान राम ने भी आकर यहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया। और अभी बात करें 2008 की, तो अमिताभ बच्चन स्वयं आए और अपनी माँ का पिंड तर्पण और अस्थियों का विसर्जन चित्रकूट में किया था।